मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं जी। ये एक बहुत अच्छा एफर्ट है कि एक डेडिकेटेड चैनल फॉर पावर सेक्टर आप खोलने जा रहे हैं, तो मैं तो इसमें यही कहूँगा कि जो हम जो ये डिपार्टमेंट है हमारा पावर डिपार्टमेंट, ये ऐसा डिपार्टमेंट है जिससे हर एक स्टेट का हाउस होल्ड जुड़ा हुआ है, और इसमें हमारी एफर्ट चाहे हमारे निचले दर्जे के मुलाजम हैं चाहे हाईएस्ट लेवल के ऑफिसर्स हैं, सबकी यही रहती है कि हम लोगों को 24 आवर्स अनइंटरप्टेड क्वालिटी सप्लाई मुहैया कराएं और कंज्यूमर कंप्लेंट्स इमीडिएटली अटेंड कराएं। जैसे बहुत ज़्यादा एकदम गर्मी पड़ रही है तो आपने देखा होगा कि पावर कट नाम की चीज़ अब पंजाब में रही नहीं। पुराने दिनों को अगर आप देखें तो गर्मी शुरू हुई नहीं और पावर कट लगने शुरू हो जाते थे, बहुत सिस्टम पुराना था, बिजली की बहुत कमी थी डिपार्टमेंट के पास जी। आज की डेट में हमारा डिपार्टमेंट पावर सरप्लस है और एक भी कट अभी तक कहीं नहीं, एक्सेप्ट कभी मेंटेनेंस के लिए शटडाउन लेनी पड़ती है, उसको कई दफ़ा पावर कट लोग समझ जाते हैं, लेकिन पावर डिपार्टमेंट ने पावर कॉम ने एक सिस्टम किया है कि हमारे जो लोकल फील्ड ऑफिसर्स हैं वो दो दिन पहले न्यूज़पेपर्स में उसकी खबर लगवाते हैं कि फलाने एरिया की शटडाउन रहेगी। सिस्टम तो हमारे बहुत अच्छे इन प्लेस हैं और भी कंज्यूमर फ्रेंडली स्कीमें बड़ी आ रही हैं, जैसे कंप्लेंट सेंटर है हमारा 1912, वो बहुत अच्छा चल रहा है, कोई भी आपकी कंप्लेंट है वहाँ पर रजिस्टर होती है और विद इन नो टाइम इसको ट्रांसफ़र किया जाता है इमीडिएटली टू अवर कंसर्न डिवीज़न से। वो कंप्लेंट जिसने रेक्टिफाई करना है काम को जी, उसके पास ट्रेवल करेगी और जो शिकायत करता है उनको इमीडिएटली उनका फ़ोन जाएगा हमारे कंसर्न जेई का कि आपकी कंप्लेंट रजिस्टर कर ली है और इसमें इतना समय लगेगा और आपको हम उसकी कंप्लेंट को रेक्टिफाई करके आपको बताएंगे, और जैसी कंप्लेंट रेक्टिफाई होती है उनको द्वारा रेफर बैक करके बताया जाता है। और कुछ इस तरह का भी र्यूमर था कि कुछ प्लांट्स बंद कर दिए गए हैं, इसमें कहाँ कितनी सच्चाई है? नहीं, ऐसे है जी कि प्लांट्स तो कुछ मेंटेनेंस के लिए बंद करने पड़ते हैं, एनुअल मेंटेनेंस एंड वो तो सिस्टम है, लेकिन क्योंकि अब पंजाब में पावर सरप्लस है तो उसमें थोड़ा सिस्टम देखना पड़ता है कि किस सिस्टम में पीक लोड आवर्स में आपको कितनी पावर चाहिए, नॉर्मल टाइमिंग में कितनी पावर चाहिए। जिस समय रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है तो हम अपने फुल लोड पे सारे सिस्टम को चलाते हैं।